गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पाठ चार संज्ञा के बारे में समझाने जा रही हूँ। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों, यह क्या है बताइए आप? यह, इसे आप क्या कहेंगे? यह पुस्तक है, पुस्तक या किताब है। यह किसके अंतर्गत आती है? वस्तु के अंतर्गत आती है। इस पुस्तक का क्या नाम है? मैं और मेरा व्याकरण। ऐसे ही आपके घर के आसपास, घर पर कई वस्तु, प्राणी और स्थान होते हैं और आप उन्हें किसी ना किसी नाम से पुकारते हैं, अर्थात उन्हीं नामों से हम उन्हें बुलाते और पहचानते हैं, तो उनके नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की क्या परिभाषा है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव अथवा गुण आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके घर पर आपको भी आपके नाम से, तो आपका नाम भी संज्ञा शब्द में ही आता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया, तो श्री कृष्ण और अर्जुन प्राणी के अंतर्गत आ गए। कुरुक्षेत्र हमारा स्थान है, गीता वस्तु है, पुस्तक है यह एक, भाव हमारा उपदेश है। भाव वह चीज़ होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। अन्य उदाहरण में भी देखिए, दिल्ली, राम, मेज, मिठास। दिल्ली यहाँ पर क्या आ गया? स्थान हो गया। राम व्यक्ति का नाम है, मेज वस्तु है, मिठास हमारा भाव है। अर्थात आपके आसपास कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कोई भी स्थान, उनको हम जिन नामों से पुकारते हैं उसी को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लड़की खेल रही है, तो यहाँ पर लड़की का नाम क्या है? अर्चना। तो अर्चना खेलती है, तो अर्चना शब्द हमारा संज्ञा शब्द कहलाएगा। आगे संज्ञा शब्द को तीन भागों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, इसके तीन भेद होते हैं। आपको यह तीनों भेद मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। अब आपको संज्ञा के बारे में समझ आ गया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव अथवा गुण आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद।